मैं रश्मि दिवशी, रश्मि फूड प्रेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए मिक्स वेजिटेबल अचार सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। थोड़ी डिफरेंट है, आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये इंस्टेंट मिक्स वेजिटेबल अचार है। ये किस तरह से तैयार करना है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसी से हम आज ये सैंडविच बनाएंगे। विंटर का सीजन है, इस समय बहुत अच्छी फ्रेश सब्जी आती हैं और सभी घरों में ये अचार डलता ही है। आपके पास यदि होममेड ना हो तो आप मार्केट का भी मिक्स वेजिटेबल अचार का यूज़ कर सकते हैं, पर आप यदि ये फ्रेश वाला यूज़ करेंगे, इंस्टेंट वाला, तो हमारी सैंडविच ज़्यादा अच्छी बनेगी। और ये अचार में मैंने डाला है फूल गोभी है, गाजर है, हल्दी है, अम्बा हल्दी है, मटर है, अदरक है और हरी मिर्च। इससे मिक्स करके ये अचार बनाया है सारी सब्जियाँ डाल के, और इसी को हमने थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से बारीक कट कर लिए हैं, क्योंकि हमें सैंडविच बनाना है इसलिए हम इसको थोड़ा सा बारीक करेंगे। इसी से हम बनाएंगे। यहाँ पर मैंने वाइट ब्रेड ली है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, और इसके थोड़े थोड़े से कट को रिमूव कर दिया है। आप चाहें तो कट ना भी करें, रिमूव कर कॉर्नर को, तब भी चलेगा यदि आपको पसंद हो तो। अब इसमें जितना भी आएगा हम उतनी स्टफिंग इसमें भर देंगे। इस अचार की रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि किस तरह से इंस्टेंट मिक्स वेजिटेबल अचार बनाना है। जितनी भी आपको स्टफिंग भरनी है वो आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। इसमें इसको हल्का हल्का सा फैला दें। इसमें मैं कोई चटनी सॉस का यूज नहीं कर रही हूँ, हम इसमें अचार का ही पूरा फ्लेवर दे रहे हैं इसमें सैंडविच में। हल्के हल्के हाथों से फैला दे। कोई मटर इसमें अभी साबुत ही है, क्रश नहीं किए हैं। जितनी भी स्टफिंग आप इसमें भरना चाहें भर सकते हैं। नॉर्मली जैसे सैंडविच आप सभी बनाते हैं उसी तरह से इसमें करना है। यदि आपको और ज़्यादा स्पाइसी खाना हो तो आप इसमें लाल मिर्च वगैरह और डाल सकते हैं। सैंडविच और स्पाइसी चाहिए या सॉस भी आप लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है ये। पर यहाँ मैं ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रही हूँ, इसलिए सिर्फ अचार ही कट करके पीस, छोटे छोटे पीस में कट करके स्टफिंग भर रहे हैं। अब इसको इससे कवर कर देते हैं दूसरी ब्रेड से। अब हम इसको ग्रिल करेंगे। यहाँ मैं इलेक्ट्रिक सैंडविच मेकर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो गैस वाले इस तरह के सैंडविच मेकर से भी कर सकते हैं, या आपके पास जो अवेलेबल हो उससे में भी बना सकते हैं, और चाहे तो आप पैन में भी बना सकते हैं। इसको मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया जिससे हमारी सैंडविच बहुत अच्छे से ग्रिल होगी। तब तक हम इसमें बटर लगा देते हैं ब्रेड में। आप कम बटर में भी आप इसको बना सकते हैं, चाहे तो बिना बटर के भी ग्रिल कर सकते हैं। जैसे ग्रीन बटर दब जाएगा हम इसमें सैंडविच ग्रिल होने के लिए रख देंगे। ये ग्रीन इसका बटन ऑन हो गया है स्विच। अभी हम इसको उल्टी तरफ रख देंगे जिसमें हमने बटर लगाया है। ये अपने आप में बहुत टेस्टी लगता है, चाहे तो आप टिफिन में भी इसको रख सकते हैं, क्योंकि एकदम से सॉगी नहीं होती है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से बटर लगा देंगे। अब ये मेल्ट हो जाएगा। अब हम इसको ग्रिल करते हैं, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाए हमारी सैंडविच, तब तक इसको बंद कर देते हैं। तो वेट करते हैं सैंडविच सिकने का। ये ग्रिल हो चुकी हैं, देखते हैं ये अच्छी तरह से सिक चुकी हैं। अब हम इसको सर्व करते हैं। आप चाहे तो अचार को चॉपर में भी बारीक कर सकते हैं, पर चॉपर में बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगा, इसलिए हाथ से ही मैंने चाकू से नाइफ से ही कट की सब्जियों को जो हमने अचार में यूज़ करी थी। सर्व करते हैं। आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, आगे मैं जो भी वीडियोस लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें। बहुत क्रिस्पी बनी है। तो लीजिए हमारी ये मिक्स वेजिटेबल अचार की सैंडविच तैयार है। थैंक यू।